केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। मैं अभी ब्लॉक में, क्योंकि ब्लॉक सबसे नजदीकी होता है विकास का केंद्र। हर आदमी जिला नहीं जा सकता, लेकिन सामने में देखता है तो ब्लॉक या पंचायत। पहले कोई भी बात होता था तो लोग पंचायत में, पंचायत 30-35 साल तक नहीं था। पंचायत का चुनाव हुआ, अभी व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन पंचायत कितना उपयोगी हो रहा है वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रखंड यहाँ बना है, प्रखंड कितना उपयोगी हो रहा है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंचायत में जिस तरीके से मुखिया और पंचायत की व्यवस्था है, वैसे ब्लॉक में प्रमुख और वीडियो की व्यवस्था। अभी मैं आंकड़ा ले रहा था और आंकड़ा देख करके जो मुझे ध्यान में आ रहा था उसके अनुसार हमें कुछ संकल्प को दोहराते हुए, जिसको प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान मिल जाना चाहिए, जो भी गांव में रहने वाला उसका अधिकारी है। 2024 तक हर गांव में अच्छी पेयजल की सुविधा। अब इसके पहले व्यवस्था के दृष्टि से हम चापाकल गाड़ देते थे, चापाकल में कोई पानी लेकर के चला गया, कोई पानी जम गया, वहां पर मलेरिया का मच्छर कीड़ा फैल रहा है, पूरा गांव में मलेरिया के ज्यादा रोगी मिल रहे हैं। उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि 2024 तक हर घर को शुद्ध पेयजल। जो पैसे वाला हो तो मिनरल वाटर पी लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, उसको शुद्ध पेयजल हर गांव को उपलब्ध कराना जरूरी है। ये संकल्प, देश का संकल्प, हमारा गांव का संकल्प होना चाहिए और हम सबको मिलकर के पूरा करना चाहिए। कोई भी योजना आपके गांव में अगर जल से संबंधित होता है तो उसका पूरा हिसाब किताब लेकर के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो योजना आपके लिए बनाई जाए, आपको शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। तो ये जो संकल्प है कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिले, 2024 तक सबको पेयजल की सुविधा प्राप्त हो सके, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत कम वृद्धि होगी, लेकिन आप हम संकल्प लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ा करके पूरा करने का संकल्प लेंगे, और जब संकल्प हम लेते हैं तो पूरा होता है। तो प्रखंड में, पंचायतों में, जैसे अभी पंचायत में ये बैठ करके तय करना चाहिए कि कौन कौन सी योजना गांव के लिए उपयोगी होगा और पेयजल की सुविधा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, किसका किसका मकान नहीं बन पाया उसका मकान कैसे बनेगा, शौचालय जिसका नहीं बना वो कैसे बनेगा। ये जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं का लाभ सीधे तौर से गांव वाले को मिले, यह हमें सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। और देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, और इसलिए इस देश में 1956-57 के बाद पहली बार एक नया कानून पारित करते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ किसान उसका लाभ ले सके बनाया गया है, कानून बनाया गया है। यहाँ पर कंसजोर डैम है, इसका पानी कब से ये योजना प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका पानी नहीं मिला। हम जब मुख्यमंत्री थे इसका कार्य को गति देने का प्रयत्न किया, अब कैनाल का काम चल रहा है। अब इस किसान इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे लेगा, प्रखंड स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। यहाँ तो मैंने आज पता किया तो कृषि पदाधिकारी ब्लॉक में नहीं है, इसके भी चर्चा करेंगे, वो जनसेवक प्रभार में है, उसी में काम चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी डिफिशिएंसी है जो राज्य सरकार को देखना है। भारत सरकार के तरफ से हम गांव के लिए पूरी राशि देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रहे हैं, और कोरोना काल में भी हमारा काम न रुके इसकी चिंता करते हुए भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था, पैसे की व्यवस्था की है, पर यहाँ की राज्य सरकार उस दिशा में सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। पंचायती व्यवस्था को
कैसे मजबूत करके गांव के लिए उत्तरदायी बनाए, उसका काम भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, अब तो यह पंचायत चुनाव को भी पता नहीं समय पर कराएगा कि नहीं, यह सरकार समझ में नहीं आ रहा है, यह फिर से डिफंक्ट इंस्टीट्यूशन बनाने के तरफ राज्य सरकार का लगता है ज्यादा रुचि है। मैंने राज्य सरकार को कहा है कि इस तरह की संस्थाओं को अच्छे ढंग से और ज्यादा उत्तरदायी कैसे बनाया जाए यह सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। हम भारत सरकार के माध्यम से नीचे तक जिस गांव की हिस्सेदारी है वहां तक पैसा पहुंचना चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, कोरोना जैसे महामारी में लड़ते हुए गांव तक नहीं फैले, हम लोग तो शहरी क्षेत्र में घूमते इसलिए मास्क लगा के घूमना जरूरी है, गांव में उतना नहीं भी घूम रहे हैं क्योंकि दूर दूर अपना गांव घर भी वैसे ही होता है, दूर दूर रहते भी है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र में बहुत भयावह स्थिति हो जाती। तो ये जो कोरोना से बच के निकालने के लिए भारत की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह का फैसला किया, इसका परिणाम है कि गांव में तेजी के साथ बीमारियां नहीं फैली। आज और भारत के प्रधानमंत्री का केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।